नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान हुआ तो इस पर विपक्षी दल अब तेजी से बयानबाजी कर रहा है। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आप भी सुनिए। तमिलनाडु के मिस्टर स्टालिन है, ममता बनर्जी है, उद्धव जी है, नवीन बाबू है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुख्यमंत्री, पॉपुलर मुख्यमंत्री, इस टॉप फाइव में नहीं। उसका मतलब समझना चाहिए, जिस तरह से देश में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है उसका भी ये एक परिणाम है। महाराष्ट्र में हमेशा उद्धव ठाकरे जी ने राजनीति से ऊपर जाकर काम किया है, खास करके कोरोना काल में जिस तरह से पूरे राज्य को कंट्रोल किया, मुंबई हो या पूरा राज्य हो, मुझे लगता है कि उसका भी परिणाम है कि इस पूरे देश में और हमारे राज्य में तो नंबर वन है नेता, और धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर जाएगा और मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के पहले नंबर पर आ जाएंगे। उस दिशा में उनके कदम बढ़ रहे हैं और नेता जो है बीजेपी के हो और किसी, वो अपना स्थान नहीं ऊपर ला सके। अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे कौन सा पोल है, जब आप इस पोल में आपके नंबर आते थे तो सही था, और जब हमारे मुख्यमंत्री का नंबर आने लगा या ममता जी का नंबर आने लगा तो आप सवाल करेंगे ये कौन सा पोल है। ये पोल ही है, ये जनता का पोल है। विरोधी कहते हैं कि मुख्यमंत्री घर पे बैठते हैं इस वक्त। अच्छा, तो ममता बनर्जी, स्टालिन साहब, नवीन बाबू, ये सब मुख्यमंत्री जो उद्धव जी के साथ उनका नंबर आया है टॉप फाइव में, वो सब घर में बैठे थे क्या? ये पोल झूठा है क्या? आप इंडिया टुडे को झूठा साबित करना चाहते हो? ठीक है, आपसे बोलने से क्या होता है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। आपको आप विश्वास नहीं जनता का आपके ऊपर, विश्वास है ये पांच मुख्यमंत्री जो टॉप फाइव में आए हैं या टॉप टेन में है उसमें से आपका बीजेपी का तो एक भी नहीं है। आप बहुत घूमते हैं, बहुत शक्ति प्रदर्शन करते हो, फिर आपका नंबर क्यों नहीं आया? आप अभी भी पूछ रहे मेरा नंबर कब आएगा। हमारा नंबर आ गया और वो नंबर ऐसा ही रहेगा और पहले स्थान पर जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में कहा कि थर्ड वेव, ये सबको एक भय है कि जिस प्रकार से आप भीड़ कर रहे हो राजनीतिक, तो उससे तो जरूर डर लगता है सबको कि क्या ये थर्ड वेव को इन्विटेशन देने का न्योता लेकर तो घूम नहीं रहे ये लोग।